एक बंदा एक कोई महंत के पास जाता है, बहुत बड़े महंत होते हैं, संत होते हैं, उनके पास जाता है कि आप मुझे बताओ मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सक्सेस है क्या, जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसके बारे में काम करूँ, उसके बारे में सोचूं। तो कहता है कि ठीक है कल तुम सुबह आना, सुबह 6 बजे नदी के पास आना। वो आ जाता है सुबह 6 बजे, उसको बुलाते हैं, आ जाओ पानी के अंदर, आ जाओ पानी के अंदर लेके आ। उसके बाद वो संत क्या करता है, उसकी गर्दन पकड़ता है, संत उस बंदे की जिसने सवाल पूछा था कि सक्सेस है क्या, उसकी गर्दन पकड़ता है, उसको पानी में डालता है, पानी में रखता है उसको 2 मिनट तक, फट जाती है उसकी भयंकर वाली। और 2 मिनट बाद जब बाहर निकालता है उससे सवाल पूछता है, जब तुम पानी में थे तो तुम सबसे ज्यादा किस चीज को मिस कर रहे थे, बोलता है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होती थोड़ी देर बाद तो मर जाता है ना सफोकेशन से। तो बोलता है जिस तरह से तुम ऑक्सीजन को उस वक्त सोच रहे थे ना शिद्दत से, अगर उसी तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस को सोचोगे ना तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, वही सक्सेस है। मैं तुम सब लोगों से एक बात बोलता हूँ, ध्यान से समझना है इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो वजह ढूंढो, और वो वजह इतनी पावरफुल होनी चाहिए ना कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, बॉयफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारे टीवी का डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी पबजी का डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी लाइफ में जिस भी तरह का जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, वो छोटे पड़ जाएंगे, बेमानी हो जाएंगे जब तुम्हें वजह मिल जाएगी